अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा सेपरेशन टेक्निक से रिलेटेड पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग क्रोमेटोग्राफी, उसके प्रिंसिपल और क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। क्रोमेटोग्राफी एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिसको हम लोग फिजिकल सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए यूज़ करते हैं और इसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो इस लिहाज से ये लेक्चर्स इम्पॉर्टेंट होंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो एनालिटिकल केमिस्ट्री में लिया जाता है, दैट्स अबाउट क्रोमेटोग्राफी। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिंसिपल क्लासिफिकेशन, क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस एंड क्रोमेटोग्राम। ये इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके एंड पर हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो जो आप लोगों का न्यू मोड ऑफ एग्जामिनेशन है उसके मुताबिक एमसीक्यूज़ आपको हेल्प करेंगे। क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स, इट इज़ एक्चुअली अ टेक्निक इन विच द कॉम्पोनेंट ऑफ अ मिक्सचर आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन द डिफरेंसेज इन द रेट्स एट विच दे आर कैरीड थ्रू अ फिक्स्ड और स्टेशनरी फेज बाई अ मोबाइल फेज। एक्चुअली एक मोबाइल फेज हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, एक स्टेशनरी फेज यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सिंपल सी एक एग्जाम्पल गिवन है जिसमें मोबाइल फेज लिक्विड है और स्टेशनरी फेज इज़ अ सॉलिड विच इज़ पैक्ड इन दिस कॉलम। हम लोग कंपोनेंट्स को मोबाइल फेज के साथ शामिल कर देते हैं, मतलब वो जो मिक्सचर सैंपल जो एनालाइट जिसको आपने सेपरेट आउट करना है उसे हम लोग इसमें शामिल कर देते हैं और इसमें शामिल करने के बाद उसे पास आउट किया जाता है मोबाइल फेज के साथ स्टेशनरी फेज में से। ऐसे कंपोनेंट जो स्टेशनरी फेज में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं वो लेस डिस्टेंस कवर करते हैं, वो कंपोनेंट जो स्टेशनरी फेज में लेस सॉल्युबल होता है और मोबाइल फेज में ज़्यादा सॉल्युबल है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंस इन द अफिनिटीज विद दैट ऑफ द मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज, ये सारे कॉम्पोनेंट्स अलग अलग हो जाते हैं। सो इस टेक्निक को हम लोग इस टेक्निक ऑफ सेपरेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। इट वॉज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड बाई मिखेल ट्विट नाम, ये बॉटनिस्ट था एक, और वो काम कर रहा था एक्चुअली ये स्पिनच लीव्स के एक्सट्रैक्ट के ऊपर। उसका ख्याल था कि क्लोरोफिल के अलावा भी कुछ मौजूद है इसके अंदर, क्लोरोफिल के अलावा भी कुछ पिगमेंट्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो उसने स्पिनच लीव्स के एक्सट्रैक्ट को पेट्रोलियम ईथर में डिसॉल्व किया और एक कॉलम के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, पाउडर्ड कैल्शियम कार्बोनेट एज अ स्टेशनरी फेज भर लिया। अब इस ग्लास ट्यूब के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट एज अ स्टेशनरी फेज काम करता है, पेट्रोलियम ईथर एज अ मोबाइल फेज काम करती है और प्लांट एक्सट्रैक्ट वो सैंपल है जिससे आपने डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग करना। तो जैसे ही प्रोसेस को कंप्लीट करता है इस कॉलम के ऊपर उसको एक कलर पैटर्न नज़र आता है, यही वजह है कि उसने इसको नाम दिया क्रोमेटोज एंड ग्रेफोज। क्रोमेटोज मीन्स कलर राइटिंग कलर्स एंड ग्रेफोज मीन्स राइटिंग, इट मीन्स he has obtained a color pattern here at the column, so he has named it as a color writing technique which is called as chromatography. So chromatography was introduced by Michael Fish. It is an important technique and it is said that from 1937 to 1972 there were 12 Nobel prizes which were gained एट द वर्क विच वॉज डन बाई अ क्रोमेटोग्राफी ओनली, ऐसे काम जिनमें क्रोमेटोग्राफी एज असेंशियल पार्ट था या जस्ट क्रोमेटोग्राफी की गई थी उनके अंदर तकरीबन 12 नोबल प्राइजेज अवॉर्डेड हैं। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक ऑफ सेपरेशन। वट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी, इट इज़ अ फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन, मतलब इसके अंदर कॉम्पोनेंट्स जो हैं या सैम्पल के जितने पार्ट्स हैं वो सारे के सारे उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती। एक्चुअली दोज कॉम्पोनेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू फेजेज विच इज स्टेशनरी फेज एंड अ मोबाइल फेज। तो मूविंग फेज या मोबाइल फेज जो डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कर रही होती है और स्टेशनरी फेज के साथ डिफरेंट अफिनिटीज़ की बेसिस के ऊपर हम कॉम्पोनेंट्स को अलग अलग कर लेते हैं। द क्रोमेटोग्राफिक्स प्रोसेस अकर ड्यू टू डिफरेंसेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टेंट। एक्चुअली क्रोमेटोग्राफिक का प्रोसेस जो है वो डिफरेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टेंट की बेस पर होता है, मतलब हर कॉम्पोनेंट का एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टेंट है
तो हर एक कंपोनेंट उस डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट के अलग होने की बेस पर सेपरेट आउट हो जाते हैं। मॉलिक्यूल जो मोबाइल फेज में ज़्यादा टाइम, यानी जिनकी अफिनिटी मोबाइल फेज के लिए ज़्यादा होती है, वो फास्टर मूव करते हैं, वो रैपिडली मूव कर जाते हैं। एंड द माइग्रेशन रेट्स ऑफ द कॉम्पोनेंट्स इन द कॉलम डिपेंड अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टेंट। और डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टेंट क्या चीज़ है? एक्स एम ओवर एक्स एस मीन्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कॉम्पोनेंट इन मोबाइल फेज, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कॉम्पोनेंट इन स्टेशनरी फेज विल बी कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टेंट। और जिसका ज़्यादा होगा, डेफिनेटली उसकी कॉन्सेंट्रेशन इन मोबाइल फेज ज़्यादा है, तो वो जल्दी मूव करेगा, वो रैपिडली मूव कर जाएगा। और जिसकी केसी की वैल्यू कम है, इसका मतलब है उसकी एक्स एम वैल्यू कम है, एक्स एस ज़्यादा है, तो वो रैपिडली मूव नहीं करता, वो बाद में एल्यूट होता है कॉलम में से। तो डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट के डिफरेंट होने की बेस पर हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी इज़ अ वाइडली यूज्ड मेथड दैट अलाउज द सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द केमिकल कॉम्पोनेंट्स। हम लोग सेपरेट आउट कर लेते हैं कॉम्पोनेंट्स को, आइडेंटिफाई कर लेते हैं बाई मैचिंग विद देयर फिंगरप्रिंट्स, और डिटरमिन करते हैं केमिकल कॉम्पोनेंट्स को इन अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। तो इट इज़ अ टेक्निक फॉर द सेपरेशन फॉर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रोमेटोग्राफी, हम लोग क्रोमेटोग्राफी को क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द स्टेशनरी फेज। तो इट इज़ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अगर हमारे पास मोबाइल फेज लिक्विड है, इट विल बी कॉल्ड एज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को फर्दर दो टाइप्स में, लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, यानी दोनों मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज लिक्विड हों तो लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या LLC बोला जाता है, और LSC अगर मोबाइल फेज लिक्विड है और स्टेशनरी फेज सॉलिड है आपके पास, तो इसको LSC लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी का नाम देंगे। सेकेंड टाइप है गैस क्रोमेटोग्राफी, इसमें मोबाइल फेज गैस होती है, जबकि स्टेशनरी फेज के डिफरेंस होने की बुनियाद पर इसको भी दो टाइप्स में तकसीम करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं। GLC गैस लिक्विड, गैस इज़ द मोबाइल फेज, लिक्विड इज़ द स्टेशनरी फेज। GSC में क्या होता है? गैस इज़ द मोबाइल फेज एंड सॉलिड इज़ द स्टेशनरी फेज। GLC एंड GSC ये गैस क्रोमेटोग्राफी की दो टाइप्स बनते हैं। बाई पैकिंग ऑफ स्टेशनरी फेज, हम लोग क्रोमेटोग्राफी को पैकिंग ऑफ स्टेशनरी फेज की बेस पर भी अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज अ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। स्टेशनरी फेज फॉर्म्स अ थिन लेयर ऑन ग्लास, प्लास्टिक और एलुमिनियम प्लेट। मार्केट में ज़्यादातर एलुमिनियम प्लेट के ऊपर स्टेशनरी फेज कोटेड मिलती है, अदरवाइज इसको प्लास्टिक प्लेट्स पर या ग्लास प्लेट्स पर भी कोटिंग की जा सकती है। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में एक शीट के ऊपर अबाउट 2 mm की कोटिंग स्टेशनरी फेज की कर दी जाती है, सॉलिड स्टेशनरी फेज के लिए इसे यूज़ करते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसमें स्टेशनरी फेज होती है थिन फिल्म ऑफ लिक्विड ऑन द पेपर। तो पेपर फिल्टर पेपर एज ए इनर्ट सपोर्ट काम करता है, और फिल्टर पेपर के ऊपर एक लिक्विड की थिन फिल्म एज ए स्टेशनरी फेज काम करती है। जैसे हम लोग इंक के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी जो करते हैं, उसमें वाटर एज अ स्टेशनरी फेज यूज़ हो रहा होता है, और कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एज अ मोबाइल फेज यूज़ होता है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में एक कॉलम पैक किया जाता है, ग्लास कॉलम होता है, ग्लास ट्यूब, ग्लास पाइप कह लें, तो उसको स्टेशनरी फेज से पैक कर दिया जाता है। तो ये पैक कॉलम भी होती है, ओपन ट्यूबुलर कॉलम भी होती है, यानी या तो स्टेशनरी फेज को मुकम्मल तौर पर उस पाइप के अंदर भर दिया जाता है ग्लास पाइप में, या स्टेशनरी फेज की इनर वॉल के ऊपर कोटिंग होती है, उस ग्लास पाइप की इनर वॉल पर कोटिंग से भी हम लोग कॉलम क्रोमेटोग्राफी के लिए उसको ओपन ट्यूबुलर कॉलम को भी यूज़ करते हैं। क्लासिफिकेशन बाय फोर्स ऑफ सेपरेशन, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, इसमें सॉलिड स्टेशनरी फेज होती है, और सॉलिड स्टेशनरी फेज के साथ कोई भी लिक्विड या गैस मोबाइल फेज ली जा सकती है, तो एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल यूज़ होता है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में दोनों लिक्विड हैं, तो जस्ट लाइक दैट ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, दो लिक्विड्स के दरमियान एक सॉल्वेंट, एक कॉम्पोनेंट जो अपने आप को सेपरेट आउट करता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है, इट इज़ कॉल्ड एज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में एक आयन किसी दूसरे आयन को एक्सचेंज कर रहा होता है। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में जेल में से मॉलिक्यूल्स को पास आउट किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन साइज ये डिफरेंट होते हैं। और अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स सेपरेट आउट हो जाते हैं।
ये इन सब क्रोमेटोग्राफी के मोड्स ऑफ सेपरेशन लिखे हुए हैं। एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज सॉलिड होती है जो सॉल्यूट को अट्रैक्ट कर सकती है, मोबाइल फेज लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सॉल्यूट्स डिफरेंट रेट्स से मूव कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द अट्रैक्शन फॉर स्टेशनरी फेज, मतलब जिनकी स्टेशनरी फेज के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा है वो स्लोली मूव करेंगे, जिनकी स्टेशनरी फेज के लिए अट्रैक्शन कम है वो रैपिडली मूव कर रहे होंगे। तो इस तरह कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाते हैं। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में लिक्विड ही स्टेशनरी फेज है और थिन फिल्म ऑफ लिक्विड ओवर अ सॉलिड इनर्ट स्पोट, एक सॉलिड इनर्ट स्पोट के ऊपर लिक्विड की थिन फिल्म बनी हुई होती है जो एज अ स्टेशनरी फेज काम करती है। मोबाइल फेज लिक्विड या गैस यूज़ की जाती है। सॉल्यूट्स दोनों लिक्विड्स के दरमियान, दोनों फेजेस के दरमियान अपने आप को इक्विलिब्रेट करते हैं। इक्विलिब्रेट का मतलब है जैसे एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम कायम होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही कि एक कंपोनेंट में कितनी सॉल्युबल है, दूसरे मोबाइल फेज के अंदर कितने सॉल्युबल हैं, तो अपने आप को इक्विलिब्रेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर पार्टीशन कोफिशिएंट। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में सॉलिड रेजन यूज़ करते हैं जिसके अंदर फिक्स्ड आयन लगे होते हैं और कुछ मोबाइल काउंटर आयन लगे होते हैं। मतलब अगर फिक्स्ड आयन जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं तो मोबाइल काउंटर आयन पॉजिटिवली चार्ज होंगे, अगर रेजन्स के साथ फिक्स्ड आयन जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं तो मोबाइल काउंटर आयन पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो लिक्विड कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट्स इट वर्क्स एज अ मोबाइल फेज। सोल्यूट आयन ऑफ चार्ज अपोजिट टू द फिक्स्ड आयन आर अट्रैक्टेड टू द रीजन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड रिप्लेस द मोबाइल काउंटर आइन। फॉर एग्जाम्पल ये जो मोबाइल काउंटर आइन हैं ये अगर पॉजिटिवली चार्ज हों तो सोल्यूट के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज आइन्स होते हैं वो इनको रिप्लेस कर देते हैं और उनकी जगह खुद अटैच हो जाते हैं। तो जिसकी अटैचमेंट की एबिलिटी ज़्यादा होगी वो पहले अटैच हो जाएगा, जिसकी अटैचमेंट की एबिलिटी कम होगी वो पहले एल्यूट हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग इनको अलग अलग कर लेते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं। जेल फिल्ट्रेशन और मॉलिकुलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, इसका नेम ही जाहिर करता है, शो करता है कि इट सेपरेट आउट द मॉलिक्यूल डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिकुलर साइजेस। पोस्ट जेल विद नो अट्रैक्टिव एक्शन ऑन द सॉल्यूट मॉलिक्यूल इज यूज फॉर द सेपरेशन। लिक्विड इज अ मोबाइल फेज हेयर, मॉलिक्यूल सेपरेट ड्यू टू द डिफरेंस इन साइजेस and keep in mind that smaller molecules enter the pores of the gel and cover a large distance, they require a large volume of the eluent so they are eluted at the end। smaller molecule baad mein elute hote hain kyunki wo pores ke andar enter ho jate hain aur zyada volume unko require hota hai eluent ka nikalne ke liye, jabki larger molecule jo hain wo जेल के अंदर अपना रास्ता बनाते हैं, सीधे बिल्कुल मूव करते हैं और वो फास्ट रेट से मूव कर जाते हैं। यानी लार्जर मॉलिक्यूल जल्दी निकल जाते हैं जेल में से, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स रैपिडली पास आउट नहीं कर पाते, वो बाद में एल्यूट होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन साइजेस हम लोग मॉलिक्यूल्स को अलग अलग कर लेते हैं। दिस विल बी कॉल्ड एज अ जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी क्या है? सॉलिड ऑन विच स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स आर इमोबिलाइज, सॉलिड्स के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स को इमोबिलाइज किया जाता है और लिक्विड या गैस एज अ मोबाइल फेज यूज करते हैं। स्पेशल काइंड ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट विद दोज इमोबिलाइज ऑन द स्टेशनरी फेज, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो स्टेशनरी फेज के ऊपर इमोबिलाइज होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, तो उनके साथ सॉल्यूट में से कुछ मॉलिक्यूल या कॉम्पोनेंट अटैच हो जाते हैं। उस अटैचमेंट के बेस के ऊपर इनको अलग अलग कर लिया जाता है, दैट विल बी कॉल्ड एज अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। जो आउटपुट है इंस्ट्रूमेंट का उसको हम लोग क्रोमेटोग्राम का नाम देते हैं, इट इज़ एक्चुअली द क्रोमेटोग्राफिक आउटपुट जो हमारे पास आता है। और ये होता क्या है, अ सिग्नल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और वॉल्यूम। इस साइड पर हम लोग टाइम या वॉल्यूम लेते हैं, इस साइड पर सिग्नल लेते हैं। सिग्नल एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन को शो कर रहा होता है, यानी जहाँ अमाउंट ज़्यादा आई है वहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा और बड़ी पीक बनेगी, जहाँ अमाउंट कम आई है कॉन्सेंट्रेशन कम तो उसकी पीक छोटी बनेगी। तो रिस्पांस को अलॉन्ग वाई एक्सिस लेते हैं, जबकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप डिस्टेंस या टाइम को ले रहे होते हैं।
If a detector that responds to solute concentration is placed at the end of the column and the signal is plotted as a function of time of flow or volume of the added mobile phase, a series of peaks is obtained is called as chromatogram. हम एक साइड पर क्या ले रहे होते हैं, वॉल्यूम या टाइम टू फ्लो ले रहे होते हैं, दूसरी साइड पर उस वो जो डिटेक्टर लगा हुआ है उसका रिस्पॉन्स ले रहे होते हैं, विच एक्चुअली मैयर्स कॉन्सेंट्रेशन. तो हमारे पास डिफरेंट पीक्स का एक पैटर्न बन जाता है, इस पैटर्न को हम लोग नाम देते हैं क्रोमेटोग्राम का. ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है. पोजीशन ऑफ द पीक अलोंग एक्स एक्सिस, ये पोजीशन कहाँ पर पीक आ रही, व्हेन इट इज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द फिंगरप्रिंट्स इट गिव्स यू द नेचर यूज फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस. पोजीशन ऑफ द पीक ऑन द क्रोमेटोग्राम इज यूज फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस व्हेन कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द फिंगरप्रिंट्स, के यहाँ किसकी वैल्यू आती, कौन से कॉम्पोनेंट की, हम कॉम्पोनेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं. और ये जो एरिया अंडर द पीक है, इट गिव्स यू द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, मीन्स एरिया अंडर द पीक इज यूज फॉर द क्वान्टिटेटिव एनालिसिस. पोजिशन फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस, एरिया अंडर द पीक फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस. एमसीक्यूज के लिए भी याद रखना है ये पॉइंट. बैंड ब्रॉडनिंग एंड कॉलम एफिशिएंसी, व्हेन द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स मूव डाउन द कॉलम दे अंडरगो रैंडम वॉकिंग एंड मैस ट्रांसफरिंग बिटवीन द टू फेजेस. इनको डिटेल, मैस ट्रांसफरिंग को, रैंडम वॉकिंग को हम लोग डिस्कस करेंगे. तो उस रैंडम वॉकिंग की वजह से वो ओवर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम एल्यूट होते हैं, मतलब सडनली एल्यूट नहीं हो रहे होते, तो कुछ टाइम लेते हैं एल्यूट होने में. तो जब कंपोनेंट कुछ टाइम लेता है एल्यूट होने में, तो इसका मतलब है वो एक बैंड बना रहा होता है, एक शार्प पीक की बजाय ब्रॉडन बैंड आ रहा होता है. एज अ कॉन्सिक्वेंस द एल्यूजन बैंड पीक इज ऑलवेज ब्रॉडनड. कॉलम एफिशिएंसी इज अ क्वांटिटेटिव टर्म मेजर द बैंड ब्रॉडनिंग, मतलब अगर ये बैंड ब्रॉडनिंग कम है तो कॉलम इज मोर एफिशिएंट, और अगर ये बैंड ब्रॉडनिंग ज़्यादा है तो इसका मतलब होगा दोनों कॉम्पोनेंट सेपरेट आउट नहीं हो पा रहे होते. तो जब कॉम्पोनेंट सेपरेट आउट नहीं होते तो इसका मतलब है कॉलम एफिशिएंसी कम है. तो एज द पीक्स आर ब्रॉडनड एफिशिएंसी इज लोअर्ड बिकॉज कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द कॉम्पोनेंट डज नॉट बिकम पॉसिबल. तो जितनी ब्रॉड पीक होंगी कंप्लीट सेपरेशन नहीं हो पाएगी, हम कहेंगे कॉलम एफिशिएंसी लोअर है. और अगर पीक्स अलग अलग हो गई हैं, बिल्कुल सेपरेट आउट हो गई हैं, रेजोल्यूशन ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कॉलम एफिशिएंसी बेटर है, दोनों कंपोनेंट अलग अलग हो गए हैं, सेपरेट आउट हो गए हैं. रिटेंशन टाइम और रिटेंशन वॉल्यूम, ये कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग क्रोमेटोग्राम में यूज़ करते हैं. द टाइम फॉर विच अ कॉम्पोनेंट स्टेज इन द कॉलम कॉल्ड एज रिटेंशन टाइम. जितने टाइम वो इंजेक्शन से लेकर डिटेक्टर तक पहुंचने के लिए लेता है उसको रिटेंशन टाइम ले कहते हैं. और वो मिनिमम वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड होता है पॉइंट ऑफ इंजेक्शन से लेकर डिटेक्टर तक पहुंचने के लिए, उसको रिटेंशन वॉल्यूम का नाम देते हैं. मोबाइल फेज होल्ड अप टाइम और डेड वॉल्यूम, ये क्या होता है, वो मिनिमम टाइम जो मोबाइल फेज लेती है, मतलब वो टाइम जो मोबाइल फेज को पॉइंट ऑफ इंजेक्शन से लेकर डिटेक्टर तक पहुंचने के लिए रिक्वायर्ड होता है, दैट मिनिमम टाइम विल बी कॉल्ड एज मोबाइल फेज होल्ड अप टाइम, उसको हम लोग मोबाइल फेज होल्ड अप टाइम का नाम देते हैं. या उसको डेड वॉल्यूम, वो मिनिमम वॉल्यूम जो कॉलम को वेट करने के लिए रिक्वायर्ड है, यानी इंजेक्शन पोजीशन से लेकर टू द डिटेक्टर पहुंचने के लिए जो मिनिमम वॉल्यूम ऑफ मोबाइल फेज रिक्वायर्ड है, दैट विल बी कॉल्ड एज डेड वॉल्यूम, उसको डेड वॉल्यूम का नाम देते हैं. इट इज़ कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन कॉलम, ये हर कॉलम के लिए कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है. और एडजस्टेड रिटेंशन टाइम कैसे निकलता है, टोटल रिटेंशन टाइम में से मोबाइल फेज होल्ड अप टाइम को माइनस कर दें तो हमारे पास एडजस्टेड रिटेंशन टाइम आ जाता है. फ्लो रेट एक टर्म यूज़ करते हैं. फ्लो रेट क्या चीज़ है, म्यू इज़ कॉल्ड एज अ फ्लो रेट, इट इज़ इक्वल टू वी आर ओवर टी आर. रिटेंशन वॉल्यूम को रिटेंशन टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास फ्लो रेट निकल आता है. इट इज़ टेकन इन ml पर मिनट. द रिटेंशन फैक्टर और कैपेसिटी फैक्टर क्या चीज़ है,
The retention factor is an important parameter that is widely used to compare the migration rates of the analytes on a column. और ऐसा पैरामीटर जो माइग्रेशन रेट्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं आप, तो इसको kc से डिनोट कर रहे हैं, xs ओवर xm के इक्वल होता है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कॉम्पोनेंट इन द स्टेशनरी फेज ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कॉम्पोनेंट इन मोबाइल फेज, इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टेंट बोलते हैं. रिटेंशन फैक्टर क्या चीज़ है? इट इज़ द मैस ऑफ द कॉम्पोनेंट इन स्टेशनरी फेज ओवर मैस इन मोबाइल फेज, इसको हम लोग नाम देते हैं रिटेंशन फैक्टर को. अब टी आर की वैल्यू, रिटेंशन टाइम की वैल्यू, वो कहता है टी एम 1 plus k के इक्वल है. रिटेंशन टाइम इज टेकन टू बी इक्वल टू टी एम 1 plus k. इट इज दिस वन रिटेंशन फैक्टर, टी आर रिटेंशन टाइम, टी एम मोबाइल फेज होल्ड अप टाइम. टी एम को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, सॉरी k की वैल्यू निकालनी, तो टी एम प्लस टी एम k बन गया. k को एक साइड पर रखें, टी एम को दूसरी साइड पर लेकर जाएं, तो टी आर माइनस टी एम, और फिर वो टी एम जो k के साथ लगा है उससे डिवाइड कर दें. ये बन जाता है रिटेंशन टाइम, एडजस्टेड रिटेंशन टाइम. टी आर में से टी एम को माइनस करें, रिटेंशन टाइम में से मोबाइल फेज होल्ड अप टाइम को, तो एडजस्टेड रिटेंशन टाइम ओवर मोबाइल फेज होल्ड अप टाइम. तो ये k की वैल्यू, डिस्ट्रीब्यूशन रिटेंशन फैक्टर की वैल्यू. रिटेंशन फैक्टर इज़ द रेशियो ऑफ एडजस्टेड रिटेंशन टाइम ओवर मोबाइल फेज होल्ड अप टाइम. याद रखना है MCQs के लिए भी पॉइंट. या रिटेंशन फैक्टर इज द मैस ऑफ द कॉम्पोनेंट इन स्टेशनरी फेज ओवर मैस ऑफ द कॉम्पोनेंट इन मोबाइल फेज. और अगर k की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें जो xs ओवर xm के इक्वल है, तो कॉन्सेंट्रेशन इन स्टेशनरी फेज, कॉन्सेंट्रेशन इन मोबाइल फेज, कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल होती है? मैस ओवर वॉल्यूम. तो मैस ओवर वॉल्यूम दोनों जगह पर आपने पुट कर दिया. एम एस ओवर एम एम के इक्वल है, तो वी एम ऊपर चला गया, वी एम ओवर वी एस, इसको बीटा का नाम देते हैं. द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम इन मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज इज कॉल्ड एज बीटा. के बीटा विल बी कॉल्ड एज कैपिटल के. कैपिटल के डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रिटेंशन फैक्टर एंड बीटा. बीटा इज द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम इन मोबाइल फेज एंड वॉल्यूम ऑफ स्टेशनरी फेज. कैपेसिटी फैक्टर कैन बी रीस्टेटेड एज द रेशियो ऑफ द टाइम अ कंपाउंड इन द स्टेशनरी फेज एंड ओवर द टाइम इन द मोबाइल फेज. ये आपने निकाला. कैपेसिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एडजस्टेड रिटेंशन टाइम एंड मोबाइल फेज होल्ड अप टाइम. दिस कैन ऑल्सो भी कन्वर्टेड इन टू मोल, जहाँ वॉल्यूम्स आपने लिखे हैं मैस ओवर वॉल्यूम, या मोल्स ओवर वॉल्यूम भी ले सकते हैं. तो मोल्स के अंदर भी हम लोग इनको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं. सिलेक्टिव फैक्टर और सेपरेशन फैक्टर. व्हेन द माइग्रेशन रेट्स ऑफ टू एनालाइट्स, हम लोग कंपेयर कर रहे होते हैं दो एनालाइट्स के माइग्रेशन रेट्स को, तो वेन एवर दिस कंपेरिजन इज मेड इट विल बी कॉल्ड एज अ सिलेक्टिव फैक्टर. एक्चुअली ये टर्म है जो डिसाइड करती है कि कॉलम कौन से कंपोनेंट के लिए ज़्यादा सिलेक्टिव है, किस कंपोनेंट के लिए लेस सिलेक्टिव है. जैसे आपने लिखा है अल्फा इज इक्वल टू के बी ओवर के ए, तो हेयर के बी शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ के ए. के बी की वैल्यू के ए से ज़्यादा होती है. इसी तरह अल्फा मे ऑल्सो बी टेकन टू बी एडजस्टेड रिटेंशन टाइम फॉर बी ओवर एडजस्टेड रिटेंशन टाइम फॉर ए. तो आपने मोस्टली रिटेन्ड कॉम्पोनेंट को या मोर रिटेन्ड कॉम्पोनेंट को ऊपर लेना है, यानी जिसका रिटेंशन टाइम ज़्यादा है उसको ऊपर लेना है, इसका कम है उसको नीचे लेना है. तो सो अल्फा की वैल्यू हमेशा वन से ज़्यादा आएगी, और अल्फा हमें बताएगा कि विच वन इज मोर सिलेक्टिव फॉर विच, मीन कॉम्पोनेंट विच कॉलम इज मोर सिलेक्टिव फॉर B as compared to A, and how much it is more selective for B as compared to A, it will give you the value for alpha. So adjusted retention time for mostly retained component is taken above, adjusted retention time for less retained component is taken lower, and whenever you would get the value for alpha, it will give you actually the value
दैट फॉर विच या हाउ मच द कॉलम इज सिलेक्टिव फॉर कॉम्पोनेंट बी एज कम्पेयर टू कॉम्पोनेंट ए. दिस विल बी कॉल्ड एज सिलेक्टिव फैक्टर और सेपरेशन फैक्टर. ये जो पीक्स आती हैं उससे कुछ वैल्यूज़ याद रखनी है आपने. सबसे पहले एक छोटी सी पीक आती है, ये होती है मोबाइल फेज़. जैसे ही पहुंचती है डिटेक्टर पर तो इसकी पीक ऑब्टेन होती है हमारे पास, तो उसको डिटेक्टर फिर ऑटोमेटिकली ज़ीरो कर देता है. इस मोबाइल फेज़ के डिटेक्टर तक पहुंचने तक का जो टाइम है इसको बोलते हैं वाइड टाइम और डेड वॉल्यूम. अगर यहाँ वॉल्यूम लें तो ये डेड वॉल्यूम कहलाता है या डेड टाइम कहलाता है. तो वाइड टाइम और डेड टाइम इसको बोलते हैं, और अगर ये वॉल्यूम ले रहे हो इधर तो इसको डेड वॉल्यूम बोलते हैं. फिर यहाँ से लेकर पीक के पहुँचने तक का जो टाइम है दैट इज़ कॉल्ड एज नेट रिटेंशन टाइम. यानी कॉम्पोनेंट नेट रिटेंशन टाइम इतना लेता है, इतना टाइम तो लेना ही लेना है मोबाइल फेज नहीं पहुँचने के लिए. तो उसके बाद का जो टाइम है पीक आने तक का दैट इज़ फॉर द सैम्पल, तो नेट रिटेंशन टाइम. और नेट रिटेंशन वॉल्यूम, अगर यहाँ पर हम लोग टाइम की बजाय वॉल्यूम ले रहे हो तो नेट रिटेंशन वॉल्यूम बोलते. टोटल टाइम इंजेक्शन से लेकर पीक तक का इट इज़ कॉल्ड एज रिटेंशन टाइम. तो टोटल रिटेंशन टाइम में से वॉइड टाइम या डेड टाइम माइनस कर दें तो नेट रिटेंशन टाइम आ जाता है. ये सॉल्वेंट पीक आती है नो रिटेंशन के लिए, और ये सैम्पल पीक है. अब इस सैम्पल पीक का पीक एरिया फाइंड आउट किया जा सकता है क्वांटिटेटिव रिलेशन के लिए. विड्थ ऑफ द पीक एट द बेस लाइन डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं, डब्ल्यू बी से भी डिनोट किया जाता है. हाफ ऑफ द हाइट पर, यानी जो इसकी टोटल हाइट है, अगर 10 सेंटीमीटर हो तो 5 सेंटीमीटर पर जो विड्थ आती है उसको डब्ल्यू हाफ या डब्ल्यू पॉइंट फाइव बोलते हैं. और टोटल हाइट को 0.607 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर आता है अगर उस हाइट पर हम लोग विड्थ लें तो दैट विड्थ इज़ इक्वल टू 2 into स्टैंडर्ड डेविएशन. यानी उस विड्थ से हम लोग स्केल के मुताबिक उस विड्थ से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकाल सकते हैं. कहाँ पर, कितनी हाइट पर, टोटल हाइट ऑफ द पीक को 0.607 के साथ मल्टीप्लाई कर दें. जितना आंसर आता है उतनी हाइट पर चले जाएं, बेस लाइन से उतनी हाइट पर चले जाएं. उस हाइट पर जो विड्थ ऑफ द पीक है दैट इज इक्वल टू 2 into स्टैंडर्ड डेविएशन. तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट की जा सकती है. ये डब्ल्यू हाफ या डब्ल्यू पॉइंट फाइव और डब्ल्यू पॉइंट 607 H, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. इनको याद रखना है आपने कि इनको पीक से कैसे आप लोगों ने निकालना होता है, फाइंड आउट करना होता है. ये कुछ समरी है जो कुछ हमने आज पढ़ा. मोबाइल फेज़ क्या होती है, स्टेशनरी फेज़ क्या है, क्रोमेटोग्राफिक कॉलम क्या है, एलुजन, एलुवेंट, एलुजन प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए. क्रोमेटोग्राम, रिटेंशन, रिटेंशन टाइम, रिटेंशन वॉल्यूम, फ्लो रेट, और इनसे रिलेटेड MCQs भी पूछे जाते हैं. तो इन सारी टर्म्स को आप लोगों ने याद करना. क्रोमेटोग्राफिक पीक क्या है, पीक हाइट क्या है, पीक विड्थ क्या होती है, पीक एरिया क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कैसे निकालते हैं आप लोग पीक से, अभी हम लोगों ने मेथड उसका देखा. रिटेंशन टाइम क्या चीज़ है, वॉइड टाइम क्या चीज़ है, नेट रिटेंशन टाइम, नेट रिटेंशन वॉल्यूम एट्सेट्रा. डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट क्या है, रिटेंशन फैक्टर और सिलेक्टिविटी फैक्टर, ये सारी टर्म्स आपको याद होनी चाहिए. ये समरी है आज के लेक्चर की. इसके बाद कुछ MCQs आते हैं. इन विच क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज इज मोर पोलर दैन मोबाइल फेज. एक्चुअली हम लोग जब क्रोमेटोग्राफी को रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में कन्वर्ट करते हैं तो रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में हम लोग लेते हैं मोर पोलर स्टेशनरी फेज. तो सो आपने रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी याद रखना है. विच फोर्स इज इन्वॉल्व इन द क्रोमेटोग्राफी, कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कभी लंडन फोर्सेज की बेस पर, और कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बेस पर, इन सारी फोर्सेस की बेस पर सेपरेशन होती है. सो ऑल दीज आर इन्वॉल्व. क्रोमेटोग्राम क्या होता है एक्चुअली, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन वर्सेज एलुजन टाइम या वर्सेज एलुजन वॉल्यूम हम लोग लेते हैं, तो ए बी बोथ. व्हाट इज एलुवेंट, ये ऐसा सॉल्वेंट है विच इज यूज टू फॉर द सेपरेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड मटेरियल फ्रॉम द स्टेशनरी फेज. मतलब स्टेशनरी फेज के अंदर जो मटेरियल एब्जॉर्ब हो चुके हैं, कॉम्पोनेंट एब्जॉर्ब हो चुके हैं, तो उनको अलग करने के लिए, उनको सेपरेट आउट करने के लिए जो लिक्विड हम लोग लेते हैं दैट विल बी कॉल्ड एज अ एलुवेंट.
In which type of the chromatography the stationary phase held in a narrow tube and the mobile phase is forced through the under pressure, मतलब narrow tube के अंदर, इसको column chromatography में, वो narrow tube actually column ही है. In chromatography the stationary phase can be dash solid or liquid हो सकती है, spotted over a thin film. Gas कभी भी stationary phase नहीं होती. Which of the following cannot be used as an adsorbent in column adsorption chromatography? Potassium permanganate को नहीं use करते, ये सारे as a solid use किए जाते हैं as a stationary phase. Which of the following types of chromatography involve the separation of substance in a mixture over a 0.2 mm thick layer of an adsorbent? इसको actually thin layer chromatography, वो ये thin layer ही बनती है ना actually. In thin layer chromatography, the stationary phase is made of dash and the mobile phase is made up of dash. Thin layer chromatography में stationary phase किसकी होती है? Solid की, और mobile phase किसकी होती है? Liquid की. तो ये बाकी तो हो नहीं सकते option. Gas stationary phase नहीं होता. Liquid stationary phase हो सकता है, लेकिन open जो thin layer है उसके ऊपर gas as a mobile phase नहीं होता. इसी तरह यहाँ भी गैस मोबाइल फेज नहीं होता. तो जस्ट ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी डज द मोबाइल फेज मूव हॉरिजॉन्टली ओवर सर्कुलर शीट? सर्कुलर शीट उसने हिंट दे दी है, इट इज रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी. गैस क्रोमेटोग्राफी कैन बी परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज? ओनली इन कॉलम, मतलब कॉलम के अलावा गैस मूव नहीं ना कर सकता. अगर ओपन शीट होगी तो उसके ऊपर टीएलसी के ऊपर, पेपर क्रोमेटोग्राफी के ऊपर तो गैस एज अ मोबाइल फेज आप यूज़ नहीं कर सकते. इच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व द प्रोसेस वेयर द मोबाइल फेज मूव थ्रू द स्टेशनरी फेज बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी और केपलर रिएक्शन? तो ये प्लेनर क्रोमेटोग्राफी में ऐसा होता है. आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें और ये लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे आगे सारे इससे रिलेटेड क्रोमेटोग्राफी से. हम लोग एचपीएलसी, जीसी और उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक इसी के अंदर डिस्कस करेंगे. अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे.